बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। दोस्तों, अगर आपने भी इस्लामाबाद पुलिस में ऑनलाइन अप्लाई कर दिया है और आपने एफिडेविट भी अपलोड कर दिया है, तो दोस्तों फिर यह गलती आपने की होगी और इस गलती का सलूशन क्या है? गलती आपने कौन सी की है दोस्तों? गलती आपने एफिडेविट अपलोड करते वक्त की है। ये वाला एफिडेविट जो आपने दोस्तों अपलोड किया है, ये किस तरह से अपलोड आपने एफिडेविट करना था और अब इसका सोल्यूशन क्या है, सब चीज़ें आपको डिटेल में इसी वीडियो में बताने जा रहा हूँ। मेरी इस्लामाबाद पुलिस हेल्पलाइन से बात हो चुकी है, वो बिल्कुल विद प्रूफ कार्ड रिकॉर्डिंग आपके साथ मैं इस वीडियो में आपको सुनवाऊंगा। आप वो कार्ड रिकॉर्डिंग आप खुद सुनिएगा और अभी मैं आपको सबसे पहले वो इशू बता देता हूँ। जो इशू ये है दोस्तों, ये बयानी हल्फी जो आप देख रहे हैं, ये दोस्तों आपने अपलोड करना था अप्लाई करते वक्त, और अगर आपने अप्लाई नहीं किया अभी तक तो फिर ये लाजमी से आपने इन स्टेप्स को फॉलो करना है। दोस्तों, इश्यू ये है कि इस्लामाबाद पुलिस की तरफ से अपडेट आई है कि आपने ये जो बयानी हल्फी है, इसे स्टाम के ऊपर जो है बनवाना है, बनवा के उसे स्कैन करके फिर आपने अपलोड करना है। लेकिन काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने और मैंने भी खुद भी दोस्तों ये इसी तरह जो है स्टाम जो है इसे फिलअप किया, फिलअप करके अपलोड कर दिया। अब यहाँ पर दोस्तों आपने परेशान नहीं होना, आपकी जो जो अप्लीकेशन है वो रिजेक्ट नहीं होगी। आपने परेशान नहीं होना, अभी से आपको बता रहा हूँ आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट नहीं होगी, मीन के आपका अप्लाई हो गया ऐसे समझा, आपने परेशान नहीं होना बस, ठीक है? बाकी बातों को जो है वो आपने गौर से सुन लेना है, ठीक है? तो अब ये कहा जा रहा था कि आपने ये स्टाम्प जो है, ये जो बयान हेल्फी है, इसे आपने स्टाम्प पेपर के ऊपर आपने बना के अपलोड करना था। लेकिन मेरी अभी हेल्पलाइन से बात हुई है, उन्होंने मुझे पहले कहा कि आप अपना CNSE नंबर दें, आपका नेम और मोबाइल नंबर जिसके ऊपर आपने अप्लाई किया था, तो हम आपका ये जो बयान हल्फी आपने गलत अपलोड किया है इसे डिलीट कर देंगे और आप दोबारा से जो है अपना बयान हल्फी स्टाम्प पेपर के ऊपर बनवा के अपलोड कर सकेंगे। तो साथ ही साथ उन्होंने मुझे ये भी बताया कि आपका ये इशू नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ने जो है इसी तरह ये स्टाम्प जो है इसी तरह फिलअप करके अपलोड कर दिया है। हमारी अफसरान से बात हो रही है, मीटिंग हो रही है, उस मीटिंग में जो भी तय पाएगा, मतलब कि इसके दो ही सोल्यूशन होंगे, या तो ये जो अपलोड किए गए हैं इन्हें ऐसे ही अपलोड हम रहने देंगे, जब आप फिज़िकल देने आएंगे वहाँ से हम आपके बाई हैंड ये बयान हल्फी जो है वसूल कर लेंगे, या फिर आपके ये जो आपने अपलोड किए हैं इन्हें हम यहाँ से डिलीट कर देंगे, आप जो है अपना दोबारा से बयान हल्फी बनवा के स्टाम्प के ऊपर वो आप अपलोड कर सकेंगे। मीन के आप ये एप्लीकेशन जो है वो रिजेक्ट नहीं होगी। दोस्तों, ये सोल्यूशन जो है, इशू भी आपको पता चल गया है, सोल्यूशन भी आपको पता चल गया है, और मज़ीद आप ये है कि ये वेबसाइट जो है ना इस्लामाबाद पुलिस की, इसके ऊपर दोस्तों इनका हेल्पलाइन नंबर भी दिया गया, यहाँ पर आए ना, जब आप आते हैं यहाँ पर लॉगिन के ऊपर, यहाँ पर ये एरर आ रहा है, इन्होंने जो है ना यहाँ पर ये लिंक्स काफ़ी सारे ऐड कर दिए हैं, इसके ऊपर अभी वर्क चल रहा है। तो यहाँ पर जब आप इसके ऊपर आते हैं ना, यहाँ पर मैं किसी भी लिंक के ऊपर क्लिक करता हूँ, जब आप लॉगिन, ये अभी एरर दे रहा है, तो यहाँ पर इनका ना हेल्पलाइन का नंबर दिया गया, मैं मज़ीद यहाँ पर मैंशन भी कर दूँगा, तो इसके ऊपर आप कॉल इन्हें करें, आप बोलें हमने ये जो स्टाम है अपना, ये जो आपने वेबसाइट के ऊपर अपलोड किया था ये हमने अपलोड कर दिया है फिलअप करके, तो अब इसका सलूशन बताएं, वो आपसे आपकी फर्दर डिटेल जो है वो ले लेंगे और आपकी रिक्वेस्ट आगे ब्रांच में सेंड कर देंगे। अगर आपका जो है यानी कि उन्होंने कहा कि आपने ये स्टाम्प जो है जब आएंगे उधर फिज़िकल देने उस वक्त ही जमा करवा देंगे, तो फिर आपका ये रिमूव नहीं होगा, अदरवाइज़ वो आपका रिमूव कर देंगे, आप इसे फिलअप करके यानी कि दोबारा से स्टाम्प बनवा कर अपलोड कर देंगे। सो दोस्तों, जो है आप कार रिकॉर्डिंग वो सुनना चाहते हैं तो वो अभी मैं आपको सुनवा देता हूँ, वो आप सुन लीजिए। तकरीबन 4 से 5 मिनट मेरी उनसे बात हुई है, वो सारी रिकॉर्डिंग मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो कार रिकॉर्डिंग आप। वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक। अच्छा सर, ये इस्लामाबाद पुलिस में अप्लाई किया है ऑनलाइन, तो उसमें एफिडेविट जो है जो वेबसाइट पे हमें मिला है वो उसे ही हमने फिलअप करके अपलोड कर दिया है, तो ये आप बताए थे मोहम्मद जी मोहम्मद रिजवान। रिजवान। आईडी कार्ड CNSE नंबर ये जो है ना, मेरा अपना नहीं, मेरे भाई का है, तो यानी कि मैंने अपना अभी अपलोड करना है, तो वो पूछना है कि ये जिन्होंने अपलोड कर दिया है तो वो उनका अब दोबारा तो अपलोड हो डिलीट नहीं सकता, करेंगे, डिलीट करेंगे वो आप कर देंगे उधर, आपसे हो जाएगा जी। आप उसी का नाम, ये रिजवान किसका नाम है?
जिसमें अपलोड किए। नहीं, मेरा नेम मोहम्मद रिजवान है ना, तो भाई का नेम है उसका जो है ना, उसका अपलोड यानी कर दिया, अपना नहीं किया अभी। तो यार उसका लिखवा देना, अपना लिखवा दिया। एक मिनट मैं आपको सर्च करके बताता हूँ, यानी कि जिन भाई का यानी कि अपलोड कर दिया है, अपलोड हो गया, वो आपसे कॉल करके वो डिलीट करवा सकते हैं। आप उनका नंबर बोले, CNIC नंबर बोले, हम आगे फॉरवर्ड करेंगे, वो डिलीट कर देंगे। ठीक है। अच्छा, समझ आ गए। ठीक है सर, मैं आपको कॉल बैक कर रहा हूँ। अच्छा सर, वो नंबर लिखिएगा, वो एफिडेविट में डिलीट करना है। सर ये थोड़ी देर पहले आपसे बात हुई है ना, वो इस्लामाबाद पुलिस ने अप्लाई किया है ना ऑनलाइन, तो एफिडेविट जो है वो गलत अपलोड हुआ है। कार्ड नंबर बोले, 37401। 37401 कब कॉल किया आपने? ये थोड़ी देर पहले आप कॉल किए। अच्छा, नाम बोले आप? दानिश कदीर। दानिश कदीर जी सर। आईडी कार्ड नंबर? 37401। 37463 जी सर। पंजाब से? जी सर, पंजाब से। ठीक है, क्या इश्यू आ रहा है इसमें? वो एफिडेविट जो है ना, जो वेबसाइट पे दिया गया है ना, वो अपलोड कर दिया सिंपली उसे फिलअप करके, तो वो जो है बयान अल्फी वो स्टाम के साथ अपलोड करना था ना। अच्छा जी, वो जो सिंपल वही अपलोड करना है, जो है फिलअप करके अपलोड करना था। मोबाइल नंबर लिखवा रहे हैं? मोबाइल नंबर 031। जी जी। अच्छा, मसला ये है ना, एफिडेविट अगर ये इससे बातचीत चल रही है। जी जी। अगर इन्होंने बोला ना अफसरान ने, जी यही चल जाएगा, मतलब ये जो हमने जो नहीं, मतलब बात होने ना ये है ना, ये जो वेबसाइट के ऊपर आपने एफिडेविट अपलोड किया है ना, सिंपल उसे जो है ना हमने डाउनलोड करके उसका प्रिंट निकलवाया, समझ रहा हूं, आपने वो फिलअप करके अपलोड कर दिया है। तो ये ना वॉइस रिकॉर्डिंग सुनी थी जो है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में आई थी, वो जो है ना हेल्पलाइन पे कॉल की गई है, तो वो एक मैम थी, मैम ने बताया कि ये बयान हेल्पी आपने 50 रुपए पे या 100 रुपए पे जो है ना बनवा के अपलोड करना है। ये बात बिल्कुल, तो अभी इस चीज से मीटिंग चल रही है, काफी ज्यादा बंदों ने ये किया हुआ है। जी बिल्कुल, ये मोस्टली यही है, अभी कोई गिने चुने होंगे जिन्होंने अपलोड इस तरह से किया है, यानी एल्फी बनवा कर, तो अभी ये इस बार काफी सारों ने किया, लेकिन मैक्सिमम यही इशू आ रहा है, तो अभी इस पर बात चल रही है। जी, अगर इन्होंने कहा ये अगर यही चल जाता तो ठीक है, ये कर देंगे। ठीक है, ये जो आपने जो लिखाया ना एग्जाम पेपर, जी जी, ये टेस्ट वाले दिन आपसे लेंगे वो। अच्छा बिल्कुल, ये बात है, क्योंकि मोस्टली जब आप लड़कों ने किया है ना अपलोड इसी तरह किया है, तो कॉल निकलता ठीक है। अगर इशू हुआ तो ये डिलीट कर देंगे आपका जो एफिडेविट है, हम आपकी कंप्लेन आगे भेज रहे हैं। ठीक है सर, 48 घंटे बाद आप चेक करें, ये अगर इशू सॉल्व होता है ना जी जी तो ठीक है, नहीं तो ये जो एफिडेविट है आपका डिलीट कर देंगे। डिलीट करेंगे आप, इसकी जगह आपने जो स्टाम्प पेपर जो लिखवाया है वो अपलोड कर दीजिएगा। ठीक है, ओके सर, थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया सर। ठीक है, ओके।